नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ, बच्चों के अंदर एक उपापह की स्थिति जो है क्रिएट हो गई है। इसमें सबसे बड़े जो कन्फ्यूज़न में बच्चे हैं जो बीटेक वाले हैं, और बीटेक भी कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा जो आयोग के अध्यक्ष साहब हैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके जो एक तरह से बोला जाए कि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज कर दिए। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो वहाँ पर बोला गया कि जो बीटेक वाले हैं उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है, अगर वो साइंस का और मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब कंप्यूटर साइंस के लिए तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि बीएड जरूरी नहीं है, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वहां पर देखा गया तो काफी चेंजेस देखने को मिले। अब बच्चे कंफ्यूज हैं टोटली पूरी तरह से कि जो बीटेक किया हुआ बच्चा है वो कंफ्यूज है, क्या सर मुझे बीएड होना जरूरी है या एस्टेट देना जरूरी है, एस्टेट पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है कि नहीं कर रहा है। जिनकी भी ये समस्या है, जो लोग भी नाइन्थ टेंथ के लिए ध्यान रखिएगा मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, ये वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, एकदम सटीक जानकारी है। ठीक है, जो बच्चे प्राइमरी की तैयारी करना चाहते हैं एक से लेकर पांच तक, उनके लिए परीक्षा प्लस टीम निशुल्क कोर्स चला रही है। आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, वहां बिहार शिक्षक भर्ती आप देखेंगे तो वहां पे पूरा कोर्स लगा हुआ है। यदि आप उस वीडियो के नोट्स लेना चाहते हैं, कंबाइंड नोट्स लेना चाहते हैं, तो मात्र नामात्र का शुल्क रखा गया है, 399 में पूरा प्राइमरी की ई बुक आपको दी जाएगी। तो आप सभी परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। रही बात की कौन कौन गणित और विज्ञान के टीचर बन सकता है क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए, तो आते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे बीटेक के लिए क्या बीएड जरूरी है। एकदम यहां पर ये ध्यान सुनिए, सुनिएगा सभी लोग कि जो बंदा बीटेक किया है उस बीटेक के लिए अगर आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं यहां पर, ठीक है, क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आप बीटेक वाले एलिजिबल तो हैं, एलिजिबल हैं बीटेक वाले, लेकिन बीटेक के साथ बीएड भी होना जरूरी है, साथ ही साथ बीटेक के साथ बीएड भी होना जरूरी है। और आपको जो है एस्टेट का जो पेपर होता है, एस्टेट पेपर वन, जो पेपर वन सब्जेक्ट है आपका मैथ का, वो क्वालिफाई, जिस भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ का हो गया, साइंस का है तो साइंस का क्वालिफाई होना चाहिए, तो पेपर वन ही जो होता है वो नाइन्थ और टेंथ के लिए होता है। एक्चुअली बिहार में क्या होता है, एक होता है बिहार टेट, बिहार टेट जो होता है वो एक से लेकर पांच तक होता है, एक ये पेपर होता है पेपर वन, बिहार टेट का पेपर वन एक से पांच, बिहार टेट का पेपर जो टू होता है वो आपका छह से आठ तक का होता है, फिर आपका एस्टेट होता है, ठीक है, एस्टेट पेपर जो वन होता है वो क्लास नौ और दस के लिए होता है, और एस्टेट पेपर टू जो होता है वो ग्यारह और बारह के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको देना होता है वहां पर बिहार में रह के, ये एग्जाम होता रहता है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको इसके साथ बीटेक बीएड और एस्टेट पेपर वन आपका निकलना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। हाँ, ये हो सकता है अगर बीटेक का बंदा बीएड के फाइनल ईयर में है तो उसका एग्जाम जैसा बोला गया कि 31/8 तक आपका एग्जाम संपन्न हो जाता है तो आप एलिजिबल हो, अगर आप ये दे चुके हो। और इस एस्टेट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है, ठीक है, एस्टेट के मेन, तो यहां पर एस्टेट के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपका क्या होता है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड वाला होता है, ये जानते ही हो, तो यही सिंपल सी चीजें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आप एस्टेट में अपियरिंग स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहां पर आपके एलिजिबिलिटी की, अगर दिखाएं यहां पर, ये आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा, हाँ, यहां पर देखो कक्षा 9 और 10 के लिए जो विद्यालय के अध्यापक पद के नियुक्ति हेतु, साफ साफ बोला है स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान संख्या के कोई भी दो विषय स्नातक में पठित हो या इंजीनियरिंग में स्नातक हो, तो यहां पर बीटेक तो बोल दिया, लेकिन जब आप ऊपर चलोगे यहां देखिए, जब आप ऊपर चलोगे यहां देखो,
हाँ, यहां पर देखो 9 और 10 के लिए जो आहार्ता बोला गया है, बोला है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट का जो समूह है उसमें कम से कम 50% अंक के साथ आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या हो, स्नातक हो मतलब ग्रेजुएशन हो या स्नातकोत्तर हो, तो आपका बीटेक भी ग्रेजुएट ही माना जाता है, कोई अलग नहीं है, वो भी आपका ग्रेजुएशन ही बोला जाता है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एक बोला नहीं आप है एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना जरूरी है, मतलब आप बीटेक के साथ आपका बीएड होना जरूरी है, यह ध्यान रखिएगा। जो बच्चे कंफ्यूजन में है अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लें। अगर आपको मैथ और साइंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बिहार में तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास बीटेक के साथ बीएड है और आपका एस्टेट पेपर वन क्वालिफाई है कि नहीं, ठीक है, आपका एस्टेट पेपर वन जो है वो आपने क्वालिफाई किया है उस सब्जेक्ट से कि नहीं किया है, ये सब होगा तभी आप बिहार में साइंस और मैथ के क्लास नाइन्थ और टेंथ के टीचर बन सकते हैं। अब भी कोई दिक्कत अगर समस्या है आपको क्लास नाइन्थ और टेंथ को लेकर, ठीक है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर अभी भी देखो समस्या इसलिए आपको उत्पन्न हुई क्योंकि आपका कल नहीं परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो अध्यक्ष साहब हैं बीपीएससी के उन्होंने कुछ ऐसा बोला था और एक पेपर कटिंग में ऐसा वायरल हुआ था कि बीटेक वालों को लिए बीएड जरूरी नहीं है, मैथ और साइंस का टीचर बनना है तो। लेकिन कल का जब नोटिफिकेशन आया तो वहां चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं बीटेक के साथ बीएड और साथ ही साथ आपका एस्टेट पेपर वन क्वालिफाई होना जरूरी है तभी आप बिहार में मैथ और साइंस के टीचर बन पाएंगे। उम्मीद है कि आपके जो डाउट थे खासकर गणित और विज्ञान के शिक्षक को लेकर आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर यदि अभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समस्या हो रहा है नोटिफिकेशन समझने में, आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए कि सर इसका स्पष्टीकरण हमें बता दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपको समस्या हो रही है उसका समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।